आज बड़ा खुशी का मौका है। मैं पिछले 28 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 27 सालों से काफ़ी फिल्मों में मैंने एक्टिंग की है और ये मेरी पहली फिल्म है एज ए राइटर डायरेक्टर जो मैंने पिछले 2 साल में कंप्लीट की और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ ये पिक्चर आज सिनेमा हॉल तक पहुँची है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से कि बस आप अपनी दुआएँ दें, आशीर्वाद दें कि ये फिल्म मेरी चले, क्योंकि इसके साथ ही मेरी 5 पिक्चरें एज ए राइटर डायरेक्टर आने वाली हैं। बहुत कठिन काम है ये फिल्म इंडस्ट्री, बहुत कठिन रास्ता है, इतना आसान काम नहीं है। किसी चीज़ को सोचना, देखना और उसको करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। इस फिल्म को बनाने में बहुत तकलीफ़ें हुई मुझे, लेकिन मेरे दोनों साथी प्रेम सिन्हा और ज्ञानदास गुप्ता जी ने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और इतनी बड़ी कमान मुझे दी कि मैं इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर बन सका। और इस पिक्चर में मैंने मैन खलनायक का रोल भी किया है और बस आज पिक्चर पर्दे तक आ गई। सर, कहते हैं कि कोई भी डिग्री पाने के लिए 3 साल का समय लगता है, तो जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 28 साल दिए हों, तो अगर वो एक्टर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। तो एक डायलॉग आ जाए खलनायक जानदार। हाँ, मेरी फिल्म में एक डायलॉग्स है कि मैं कहता हूँ कि मेरे जो पिक्चर के मैन हीरो हैं वो मुझे गन पॉइंट पे लेते हैं और कहते हैं कि मेरे सीने में वो फौलाद है कि गोलियां कुछ नहीं कर सकती। तो मैं कहता हूँ कि अबे लौंडे, डायलॉग बोलने का इतना ही शौक है तो अपने कॉलेज के किसी नाटक में बोलना, गुलशन के सामने नहीं। जब गुलशन को उसका बाप नहीं समझा सका तो तेरी बंदूक की गोलियाँ क्या समझाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। और इसके अलावा हम आपसे जानना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है रविवार को, क्या कहना चाहिए। मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे फिल्म इंडस्ट्री मेरी ज़िंदगी है, आखिरी सांसों तक फिल्म इंडस्ट्री के लिए जीऊँगा, इसीलिए मरूँगा। और हिंदू धर्म के हिसाब से जितने भी जन्म होते हों तो हर जन्म में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहूँगा।